पिछले दिनों हमने प्रश्नावली 1.0 का पहला प्रश्न का समाधान किया था। आज हम दूसरे प्रश्न का दूसरा जो प्रश्न है 510 और 92 उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने जा रहे हैं और उसका सत्यापन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 510 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 2 4 2 5 10 2 5 10 3 से लगाते 5 5 10 12 3 8 24 1 और 5 15 3 5 15 5 से लगाते 17 5 85। तो 510 का फैक्टराइजेशन हमारा हुआ 2 × 3 × 5 × 17 और इसी प्रकार हम 92 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से 46 बार में डिवाइड हो जाती है। 2 से 46 को डिवाइड करते हैं तो 23 बार में कट जाती है। तो 92 जो है उसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 23। इसका जो एचसीएफ है दोनों में ये 2 कॉमन मिल जाता है, इसलिए 2 हमारा एचसीएफ हो गया और एलसीएम जो मिल जाता है उसको एक बार उतार देते हैं, जो नहीं मिलता उसको बाकी सबको उतार देते हैं। तो 2 3 5 17 और 23 को 2 3 5 17 और 23 को हम उसी तरह उतार दिए। 2 2 4 4 3 12 12 25 60 × 17 × 23 इसका जो मल्टीपल हुआ हमारा वो आता है 23,460। अब इसकी जांच करते हैं तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे पहला प्रथम संख्या जो है 510 है और दूसरी संख्या 92 है। एलसीएम इसका यहाँ पर दिया है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ 2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 12 = 1, 4 × 8 = 9, 3 × 6 = 2, 2 × 4 ये और ये 0। इसको भी मल्टीप्लाई करने पर यही आता है। इस प्रकार इसका सत्यापन हो जाता है।